ये जो पेंटिंग बनाई है ना भाई, ये हैंडमेड पेंटिंग है और इतनी बेस्ट लग रही है ना भाई। इस सारे कितना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी पेंटिंग लग रही है। देखो क्या लग रही है, एक पेंटिंग और है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज हो रही कमरे की सफाई मेरी सिस्टर कर रही है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने पुरानी बुक्स जो कल मैंने डिक्शनरी दिखाई थी वो मिल गई थी, क्योंकि वो मैंने अपनी बहन को दी थी। आज मैं दिखाऊंगा अपनी पुरानी बुक्स 7th 8th 9th 10th जितनी की भी होंगी, सारी मेरे पे पड़ी हैं। ये बुक्स अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, और फिलहाल अभी और देख लेते हैं। फिलहाल तुम देखो, ये अभी मेरा ट्राईपोर्ट 3 साल पहले लिया था, अभी भी बढ़िया है। बस इसका ये टूट गया था, फिर मैंने इसे यूज में लिया ही नहीं। फिटनेस की वीडियो शूट करता था ना मैं इससे, तो ये देखना कितना लंबा हो जाएगा। नीचे इसका खोलने वाला होता है, यहाँ से इसको ऐसे है, ये देखो इतना लंबा। और गाइस ये देखिए, मेरे इतने फोन ये सब खो गए हैं। ये जब लिया था मैंने, ये भी खो गया था, जेब में से गिर गया था। फिलहाल अभी ये वाला चल रहा है, और ये था जो वीवो V19, ये भी चोरी हो गया था। ये दोनों तो खो गए। एक और था यार, बॉक्स कहाँ गया बेटा? ठीक है, इसमें सबसे महंगा वाला यही था, V19 छोड़ दिया किसी ने, 2-3 महीने में छोड़ दिया। ये क्लास 10th की है, इस संस्कृत की, सुंदर सिंह मेहता, क्लास 7th, रोल नंबर 15। ज़्यादातर मेरा 15। ये देखिए गाइस, ये मेरे पास सारे पेपर हैं क्लास 10th के, मेरे पास अभी तक सारे ये जो क्वेश्चन पेपर थे सारे बने हैं। ये एक पोटली मिल गई है, थैला पुराना बहुत, ये अगर ही मेरा है तो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये इसमें क्या होगा बता, हैं ल हाथ में खोल, इसको निकाल, अभी देखना इसके अंदर। मैंने भी देखा क्या है, अरे भाई ये तो सिक्का है पुराना। अरे ये देखिएगा, इस कुछ सिक्के हैं 10 पैसे, ये पुराने सिक्के हैं, बहुत ओल्ड वाले हैं, ये 1982 10 पैसा है, ये 10 पैसा, ये बुलेट जानते हो गया, पुराने जमाने की चवनी है रे भैया। ये देखो भाई 25 पैसा, पुराना 1961, आपको अगर जूम करके दिखाऊं, यस फोकस नहीं किया। ये देखो 1961 का 25 पैसा। ये 3 सिक्के हैं मेरे पे, इनको रख देता आने वाले टाइम में, क्या पता इन्हीं से लखपति बन जाए। इस पोटरी में रहेंगे ये, और भी थे बहुत सारे लेकिन अभी फिलहाल 3 ही दिख रहे हैं मुझे, रखे होंगे जाने कहीं। लाइटें सारी ख़राब हो गई हैं, ये देखो गिने कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, पूरी 25 लड़ियां खराब हो गई हैं। तो वैसे समय पर करने के बाद अब चलते हैं मार्केट की तरफ, खाना खा ले तो। अरे खाना वही खा लूंगा मैं, और देखते हैं कैसी हो रही है मार्केट में चहल पहल आज। ये देखो सजी बढ़िया, सजी बढ़िया, मजा आ गया, फुल्ली लोडेड है भाई। सही है, क्या नाम है दुकान का? स्टैंडर्ड स्वीट्स में है मिस्टर सैम। देख सकते हैं आप, कई क्वालिटी की मिठाइयां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ये देखिए, मिठाइयां होगी पैक 1.5 kg, ये
सैम भाई आए हैं शॉपिंग करने। सैम भाई को दिखाते हैं कुछ बढ़िया सा। ठीक है ना। सो फाइन गाइस, अपने भाई की दुकान से मैंने ये एक परचेस कर लिया। ठीक लग रही है, अपना बेकार भी नहीं है, बढ़िया है। तो चलते हैं आगे को। और कपड़े अगर चाहिए होंगे ना भाई, मेरा भाई है यहाँ पे तारा गारमेंट्स वाला, भाई के यहाँ आना, सारे आपको जो भी आपको चाहिए होगा सब अवेलेबल है भाई के पास। तो मिठाई ले ली, अब निकलते हैं आगे को, फिर देखते हैं क्या होता है। ये गेट का कोई पता नहीं यार, लगे रहता है भाई, है ना। तो आजा सैम भाई, जूस पीते हैं। JBM की छोटी वाली फुल ली, थोड़ा सा जगह देना, थोड़ा सा जगह। तो बस गेट लगा हुआ था, हमने कहा थोड़ा जूस ट्राई कर लेते हैं, शेक पियेंगे, जूस नहीं पियेंगे, शेक पियेंगे। तो शेक ले लेते हैं भाई से, कहते हैं। आ चुका हमारा खजूर का शेक, खजूर का है ना ये लोग। सैम भाई का ये फेवरेट था इसलिए इसे मंगा लिया हमने, इसे ट्राई करके देखते हैं। कैसा है सैम भाई? टेस्टी टेस्टी। आपने देखा मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। मार्केट से थोड़ा सा हट के आए हैं अपने भाई के मार्ट पे, क्योंकि यहाँ से ले जाते हैं सारा सामान। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी इसलिए हम रुके भी नहीं उधर। तो सैम भाई और मैं आ गए अपने भाई के मार्ट पे। एक भाई जो कल मार्ट की ओपनिंग थी वहाँ था, एक भाई ये है। तो दोनों अपने भाई हैं, चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको अंदर का। ये कुछ अपना भाई ब्रदर, ये है गाइस, आप लोग आ सकते हैं। ब्रदर क्या हाल है, कैसे? सही, हैप्पी दिवाली। मैंने सोचा यार बाजार से कर लेने, ऐसे भाई के यहाँ से ले लेते हैं सामान, खेले वाले। अरे यार क्या कह रहे हो यार, रखना चाहिए। यहाँ तो कुछ था नहीं खेले खिलौने, तो एक सोन पापड़ी का डब्बा ले जाते हैं, और कुछ नहीं ले जाते हैं। अभी अभी हमें एक भाई मिला है हमारा सब्सक्राइबर। और कैसा भाई? बढ़िया। अरे वाह यार, सही चल रहा है? बढ़िया। तो क्या बढ़िया चाउमीन बनाई है भाई ने, देखो मस्त लग रही है, इसको टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छी है। ये भाई हमारे सैफ हैं, इनने चाउमीन बनाई है। और सैम भाई टेस्ट करो। मुंबई भाई काम करके आ रखा ताज में, और अब ये घर ही है तो फिर यहाँ आ गया। तो मस्त तरीके से आपको यहाँ सारा चाइनीज का आइटम और वैसे इंडियन फूड सब मिल जाएगा। कैसे देखिए, ये जो पेंटिंग बनाई है ना भाई, ये हैंडमेड पेंटिंग है, और इतनी बेस्ट लग रही है ना भाई, इस सारे कितना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी पेंटिंग लगी, देखो क्या लग रही है। एक पेंटिंग और है यहाँ पे, ये वाओ अमेजिंग गाइस। पेंटर को मानना पड़ेगा जिसने भी ये पेंट करी है। चाउमीन और मोमो लिए भाई, दोनों नेक्स्ट लेवल, इतना बेहतरीन टेस्ट था कि मज़ा आ गया। तो बहुत सही टेस्ट है, आप लोग आए एक बार विजिट करें भाई साहब के यहाँ। तो गाइस निकल गए घर को, और जहाँ भी हम बैठे थे फूड सिस्टम बहुत अच्छा टेस्ट है भाई सब चीज़ का। चाउमीन आपने टेस्ट करी, मोमो आपने टेस्ट करे, घर को सीधे उसके बाद निकलते सीधा जिम, और आगे कुछ व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार है। पहुँच चुके हैं घर पे, और जैसे मुझे डर था कि सामान तो आया नहीं, खाली मिठाई उठाई आ गई और बाकी सामान आया नहीं। घर वाले भी अल्लाह कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या के ले गया था। अरे तो फिलहाल अभी बराबर है, गैस गैस की गाड़ी आई हुई है रोड में, चल रहे हैं, देखते हैं कितने की होगी गैस, कितने की होगी गैस। गए थे 925। 925 होगी। मोदी जी क्या करोगे, आप जान लोगे क्या? पूरे गैस सिलेंडर से।